नंबर एक, आपने इस महीने अपने बिल पे किया, आपने अपना रेंट पे किया, अपना ईएमआई पे किया, खाने का खर्चा निकल गया, बिजली पानी निकल गया, बेसिक यूटिलिटीज निकल गई। ना सिर्फ ये, आप खुद पे भी कुछ खर्चा कर पाए। जरूरत है नहीं, कुछ अरमान चाहे जितने भी छोटे थे पूरे हो। नंबर दो, आपने खुद से सवाल किए, बहुत मुश्किल सवाल, शायद उन सवालों के जवाब आपको नहीं पता थे। कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, कुछ रातें बहुत लंबी, लेकिन आपको इससे ये पता चला कि आप अभी भी ग्रो कर रहे हैं, पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी तो शूटिंग चल रही है। नंबर तीन, आपकी एक इनकम है, चाहे वो एक रेगुलर इनकम है अपनी सैलरी के थ्रू या फ्रीलांसिंग इनकम है, लेकिन इसके चलते आप खुद का ख्याल रख सकते हैं। आपके पास रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े हैं, एंड वो खुद की इनकम से आपने जनरेट करें। नंबर चार, आपके पास वक्त है वो चीजें करने का जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो कोई बेसिक चीज भी हो, चाहे सोफे पे बैठ के दिन भर नेटफ्लिक्स देखना भी हो, लेकिन ये वक्त आपका है एंड आप इसके मालिक हैं। नंबर पांच, आपको ये चिंता नहीं है कि आपका अगला खाना कहां से आएगा, आपके फ्रिज में खाना है, आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि वो खाना आप अफोर्ड भी कर पाएंगे कि नहीं, क्या वो मुमकिन भी होगा कि नहीं। नंबर छः, आप प्लेजर के लिए खाना खा सकते हैं, खाना आपके लिए सिर्फ सर्वाइवल का रूप नहीं है, ये नहीं है कि भूखे नंगे और उसी रूप में आपको खाना नसीब होता है। आप फ्रिज खोलते हैं और बोलते हैं चलो आज मिल्क शेक बनाते हैं, चलो एक ओरियो खाते हैं, चलो मैगी बनाते हैं। खाना आपके लिए ना सिर्फ जरूरत, एक तरीके का प्लेजर भी है। नंबर सात, आपके एक दो बहुत क्लोज जिगरी दोस्त हैं एंड आपको ये पता चल गया है कि शायद इतना ही काफी है। नंबर आठ, आप दुनिया की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को ना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको मन करता है कि आप अपने फेवरेट कैफे में जाके एक कप ऑफ कॉफी पी लें, कर सकते हैं। आपको आज मन करता है कि ऊबर और ओला ले लें, कर सकते हैं। आपको मन करता है कि इस वीकेंड पे बस पूरा बिस्तर लेके निकल जाएं, कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप जिंदगी में खुद के लिए करना जानते हैं, कर सकते हैं, एंड आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता कि करें कि नहीं। नंबर नौ, जब आप खुद को देखते हैं ना और अपने आप को अपने पिछले साल के रूप से कंपेयर करते हैं, आप दो अलग लोग हैं। आप बढ़ चुके हैं, आप बदल चुके हैं, यानी ये बदलाव आपको अच्छा लगता है। नंबर दस, आपके पास वक्त है और जरिया भी है वो सब चीजें करने का जो बेयर मिनिमम से ज्यादा है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप हाल ही में किसी कॉन्सर्ट में गए, या शायद क्रिकेट का मैच देखने चले गए थे, या आप दोस्तों के साथ ऐसे ही टहलने के लिए चले गए, एक छोटी सी वेकेशन कर ली। जिंदगी में जीने के लिए जो बेयर मिनिमम चाहिए उससे ज्यादा आपके पास वक्त है और साधन है करने का। नंबर 11, आपके पास कपड़े पहनने की चॉइस है। आप सोचते हैं आज ब्लैक टी शर्ट पहने कि ब्लू पहने, आज व्हाइट टॉप पहने या पिंक टॉप पहने, आज ब्लू जीन्स पहने या ब्लैक जीन्स पहने, या आपके पास चॉइस नहीं है लेकिन वो भी आपकी चॉइस थी। आप बहुत खुश हैं कि आपके पास वही दो जोड़ी कपड़े हैं, वही एक जूता है एंड उसी में आपकी पूरी जिंदगी चल सकती है, लेकिन ये दोनों चॉइसेस आपकी चॉइस थी। नंबर 12, आपको पता चल जाता है जब आपकी जिंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा। आप शायद जानते नहीं है कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप अभी ये समझ नहीं पाए हैं कि उसका उपाय या उसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि कुछ तो सही नहीं, एंड दैट आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्विंग इट। नंबर 13, अगर ऐसा होगा कि आप अपने 10 या 20 साल वाले रूप से मिलेंगे तो आप उनको बोल पाएंगे हमने कर दिखाया, वी डिड इट, वी डिड इट। नंबर 14, आपका खुद का एक स्पेस है, जरूरी नहीं है कि वो एक घर है, जरूरी नहीं है कि वो एक कमरा भी है, एक कोना भी हो सकता है, एक टेबल भी हो सकती है, एक छोटा सा सोफा, एक चेयर भी हो सकती है, लेकिन वो आपके खुद का है, वो आपकी जगह है। आपको ऐसा लगता है कि जब आप उस पे बैठते हैं
या वहां अपना वक्त बिताते, आप एक तरीके से घर में होते, खुद के घर। नंबर 15, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ब्रेक कर चुके हैं। आपको ये पता चल गया था कि ये रिश्ते आपकी जिंदगी में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं ला रहे हैं, बल्कि इनके चलते आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, एंड आपका खुद की तरफ का नजरिया बदल रहा है, डिटीरिएट हो रहा है, एंड वो आप नहीं चाहते थे। इन रिश्तों को, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो, आप अपनी जिंदगी से निकाल पाए। नंबर 16, आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको एक्साइट करती है, आपको इंट्रीग करती है, जिसमें आप जेन्युइनली क्यूरियस होके कुछ करना चाहते हैं। नंबर 17, आप खुद का ख्याल रखना चाहते हैं। आपको पता है कि आपको कितने घंटों की नींद रात को चाहिए होती है, आपको पता होता है कि कौन सी चीजें देखकर आप पॉजिटिव फील करते हैं या नेगेटिव फील करते हैं, कौन से लोगों से बात करकर आपको कैसा लगता है, वो कौन सा शख्स है जो आपको पूरी तरह से जानता है, वो कौन सा शख्स है जिसके पास आप अपने दुखड़े रो सकते हैं, वो कौन सा शख्स है जो आपकी खुशी में बहुत खुश होगा। नंबर 18, आप एक गोल की तरफ काम कर रहे हैं, एक ऐसा गोल जो आपको ड्राइव करता है, जो शायद आप हासिल कर पाए नहीं कर पाए वो आप नहीं जानते, लेकिन द फैक्ट दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट मेक्स यू फील हैप्पी अबाउट योरसेल्फ। नंबर 19, आप नहीं जानते कि आपके साथ आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, एंड यू आर ओके विद इट। आपको पता है कि आप बहुत सारी चीजें बन सकते हैं, एंड आप एक ही अपने फ्यूचर सेल्फ पे फिक्सेटेड नहीं। आपको ये नहीं लगता कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मैं पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अगर मैं गूगल फेसबुक में काम नहीं कर पाया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बिकॉज यू नो दैट देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन सक्सीड इन लाइफ। एंड फाइनली नंबर 20, आप बहुत बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं, एंड यू स्टिल हियर। आपने बहुत कुछ सीखा है और सीख को आप अपनी जिंदगी में लागू कर पा रहे हैं। आप इन सारी सीखों से ज्यादा ताकतवर बने, ज्यादा मजबूत बने, जिंदगी का सामना करने का साहस आप में कूट कूट के भरा है। जब कभी भी ऐसा लगे कि जिंदगी सही नहीं चल पा रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जब कभी भी ऐसा लगे कि जिंदगी स्टक फील कर रही है, इन 20 चीजों में से बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी जिंदगी में ऑलरेडी अनुभव कर रहे हैं, एंड अगर कर रहे हैं देन यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक यू आर। All the best. This is Ankur Variko signing off. मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना, बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।